बाकी लोग मसाजद में टोपियां रखते हैं। मेरे ख्याल में लोगों को अपनी जेब में 2 रुपए की टोपी रखने का कोई ख्याल नहीं है। जूती पूछो ना, जूती कहते 5,000 की जोगर ली, बेहतरीन चीता शूज है भाई, मैंने 6,000 रुपए की जोड़ी ली है, तो 6,000 पांव पे लगा दिए, 1,000 सर पे लगाते, मौत पड़ती है। कुछ भी बंदों को सही, शैतान ने पट्टी पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पगड़ी अल्लाह के फजल से इतने पैसों की होती है कि उतने पैसों का पांव में जूता नहीं होता। ये मैंने पहले दिन से तय किया कि पांव के जूते से ज्यादा सर की इज्जत पे लगाना है। एक दिन एक मौली साहब मुझसे मेरी पगड़ी की कीमत पूछ बैठे, मैं नहीं बताना चाह रहा था, जब मैंने बताया तो हैरान हो, इतने पैसे। मैंने कहा जी आप पांव पे लगाते हैं इतने पैसे, मैं सर पे लगाता हूं तो अच्छा किस पे? नहीं मौलाना आप तो महसूस कर गए। मैंने कहा मैं जिंदा इंसान हूं, महसूस भी करता हूं, जवाब भी देता हूं। ये थोड़ी है आप सवाल करते वक्त हंस के सवाल करें, मैं जवाब दूं तो मुंह पे 12 बज जाए, हंस के सवाल हो हंस के जवाब हो। तो भाई सर पर जो आप लगाते हैं ना वो आपके पांव से ज्यादा होने चाहिए, नहीं तो बराबर तो रख लो। ये मैंने अपने वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह से सुना था, कि कई हजरात बैठे हैं जो मेरे अब्बा जी से इनका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। हम उस वक्त बैठे थे मस्जिद हाफिज अल्लाह बख्श में, तो एक शख्स आया, वो पैंट शर्ट में 3 पीस में था, और उसने टोपी कोई आम सी कपड़े वाली उठाकर ना मस्जिद से ओ इसी अर्थ रखी हुई है। तो अब्बा अस्सलाम वालेकुम, मौलाना खैरियत? मेरी छोटी उम्र थी। अब्बा ने कहा जी बिल्कुल खैरियत, माशाल्लाह बहुत अच्छे महंगे कपड़े आपने पहने। उन्होंने कहा जी हाँ। तो अब उन्हें पैंट पे हाथ लगा के उसे कहे कितने के लिए? तो उसने पता नहीं कितने सुना दिए, इतने 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 इतने। अच्छा अच्छा। फिर शर्ट पे हाथ लगा के ये कितने के लिए? कहे ये बहुत। फिर कहा जूते कितने के? जितने के। कहे ये टोपी कितने की? तो हंसने लग गया। कहा तुम्हें सर की इज्जत इस पर तुम्हें ख्याल नहीं है? ये तलु जंग पावन वाले तो 10,000 रुपए की दी है और ऊपर सर पे रखना है तो आपको? तो कहते हजरत आप शर्मिंदा करें। कहा नहीं मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूं। शर्मिंदा करने क्या माना, वरना तू को और मैं यहां के मजमे में बैठ के मैं आपको बेइज्जती कर रहा हूं ताकि आपकी जो हैसियत है डी वैल्यू हो जाए। मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा, तुम्हें एहसास दिला रहा कि सर पर कोई चीज रखी। मैं एक मसला बता रहा था कुछ दिनों पहले, बाबा नाम नहीं लेता, एक मस्जिद की बात है हमारे सिटी में। तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि मुफ्ती साहब मैं तो ईद टोपी खरीदता हूँ बस। कहते मैं ईद की टोपी खरीदता हूँ, मैंने ईद नमाज पढ़नी होती है तो इसीलिए। मैंने कहा वो ईद नमाज फर्ज नहीं है, ये फर्ज है, आप वाजिब के लिए खरीदते हैं, फर्ज के लिए नहीं खरीद सकते। तो भाई अच्छी से अच्छी बंदा सर पे टोपी रखे।